শরদ পাওয়ারের পরিবারের লোকই ভাঙন ধরালো এনসিপির সংসারে। 2024 লোকসভার মহাযুদ্ধের আগে এনসিপি 30 জন বিধায়ককে নিয়ে মহারাষ্ট্রের শিন্দে শিবসেনা ও বিজেপির সরকারে যোগ দিলেন অজিত পাল। আর রবিবারের দুপুরে এমন মহানাটকীয় পথ বদলে তোলপাড় হচ্ছে জাতীয় রাজনীতি। हमने सब ने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। आज का हिट विकेट हो गया, अजीत पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजोरिटी विधायक एमपी और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजीत दादा एक काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है, और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है, और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। नहीं, ये बदलाव नहीं है, ये बदले का दौर है। बदलाव तो 2024 में होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जो अपने विचारों की पार्टी नहीं है या जो अपने राजनीतिक विरोधी है उनकी पार्टी तोड़ रही है और सरकारें बना रही है, सरकारें गिरा रही है, ये कोई इस देश के या महाराष्ट्र की परंपरा को मान्य होने वाली बात नहीं है। पहले शिवसेना तोड़ दी एक साल पहले, आज एनसीपी को तोड़ दिया है, और कल तक जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे प्रधानमंत्री कर रहे थे, आज वो सब लोग राजभवन में शपथ ले रहे थे। उसका मतलब है प्रधानमंत्री जी या महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता जो आरोप कर रहे थे वो झूठे थे, ये मान्य करो। या फिर आपको आपके पार्टी में आने के बाद भ्रष्टाचार प्यारा लगता है? मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। महाराष्ट्र ओदिके जाए से एदिके आसे, शरद पवार जा माने सिंधेर 12টা বাজলো আর কিছু না। অর্থাৎ বিজেপি আর শরদ পাওয়ারের দলের যারা লোক যারা গেছে তারা মিলে সরকার বানাতে চাইছে। অর্থাৎ উদ্ধব ঠাকরে দল ভেঙে উপমুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন, সিন্ধের সঙ্গে হয়েছে, সিন্ধের সঙ্গে যিনি গেছেন শরদ পাওয়ারের ভাগ্নে তাকে উপমুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছে, ওই তো ভাই আর কি। তো এটা কিছু না, আগামী দিনে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হবে, তার জন্য এই খেলাটা খেলছে। সামনে দেখছেন এবার এতদিন পর্যন্ত এইরকম আছে, এবার সিন্ধিকে ওখান থেকে সরানো হবে, এই খেলা। যে বিজেপি কাজ কার্যকর্তা এ হামলোককে লিয়ে খুশ খবর হয়, পার্টি আর এনডিএ মজবুত হো রা হয়, আগলে লোকসভা চুনাও মে সবই রাষ্ট্রবাদী দেশভাগ যে পরিবারবাদ তুষ্টিকরণ আর ভ্রষ্টাচার কে খিলাফ হয় ও সব মোদিজি কা সাথ আয়েগা। অজিত পাওয়ার ওর কাকা শরদ পাওয়ারের সাথে এবং দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমতার লোভে টাকার লোভে আমি এ তীব্র নিন্দা করছি। এনসিপি পার্টিটা শরদ পাওয়ারের তৈরি, অজিত পাওয়ার যাওয়ায় কিছু এমএলএ যেতে পারে কিন্তু এনসিপি যারা সাপোর্ট খেলা।